दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में डबल मर्डर की वारदात हुई है। पुलिस ने इस हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा कुछ और लड़कों से पूछताछ जारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दो महिलाओं की हत्या सिर्फ 15,000 रुपए के लिए की गई है। ₹15,000 के लिए दो हत्या। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके के पास अंबेडकर नगर की झुग्गी के लोगों की आज जब सुबह नींद खुली तो उनको इलाके में दो हत्या की खबर मिली। दिल्ली पुलिस पीसीआर को आज सुबह 4:40 पर कॉल मिली कि अंबेडकर बस्ती में कुछ लोगों ने कॉल करने वाले शख्स की बहनों को गोली मार दी है। पिंकी और ज्योति नाम की युवतियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। उसके बाद सर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं, आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला हाँ भाई चल, मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूँ भाई, इतना पूछा मैंने भाई कहाँ चलूँ, इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे भाई मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग, मैं सर जैसे ही भागा हूँ तो भागा मेरे को दो फायरिंग और करी लेकिन सर मैं बच गया। दरअसल जिन दो बहनों की मौत हुई है बदमाश उनको मारने नहीं आए थे। इस मर्डर केस के पीछे देव नाम का युवक है। देव ने पिंकी और ज्योति के भाई ललित से 15,000 रुपए उधार लिए हुए थे। ललित ने देव से पैसे मांगे लेकिन जवाब में वो अपने साथ बदमाशों को लेकर ललित के घर जा पहुंचा। झगड़े के बीच पत्थरबाजी हुई, खूब बहस भी हुई। हमलावर जब अपने साथ ललित को ले जाने लग गए तो बहनें बीच बचाव करने उतर आईं। ललित तो मौके से भाग निकला। गोली लगने से पहले और बाद में पुलिस को कई बार फोन किया गया लेकिन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती उससे पहले ही हमलावरों ने दोनों बहनों को गोली मार दी। कुछ 3 बजे के करीब कुछ गुंडे लोग आए हमारे घर पे, दरवाजे में जो उनके हाथ में आया वो ही उन्होंने हमारे दरवाजे में मारा, रोड हुई और तलवार वलवार भी लेके आए थे हमारे घर पे हमला करा, वो तो कुंडी नहीं खोली हम तक पे भी हमला करा था उन्होंने। के बीच में आए तो यहीं पे ललित भाई खड़े हैं, पिंकी है खड़ी, ज्योति भी खड़ी है और भी यहाँ पे पड़ोसी सारे हैं, वो आए बंदे यहाँ पे गोली चलाने लगे, कोई बात नचीत हुई। हाँ जी, दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बारे में जानकारी दी। आज सुबह 4:30 आरकेपुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की, तो मौके पर लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहां दो महिला की गोली चली है, जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेन लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली में डबल मर्डर के आरोपी पकड़े गए हैं लेकिन सवालों में खुद दिल्ली पुलिस भी है। घर वालों और पड़ोसियों का आरोप है कि अगर वक्त रहते पुलिस आ जाती तो हत्या टल सकती थी। इतनी करीब होने के बाद भी करीब काफी देर तक पुलिस यहाँ नहीं आई। बताया जा रहा है कि पास में ही एक केडी कॉलोनी है यानी कनक दुर्गा कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ सट्टेबाज या फिर नशा बेचने वाले और ऐसे लोग थे जिनसे ललित का कुछ लेन देन था और इसी बात को लेकर वहाँ से आए लड़कों ने ललित के ऊपर जानलेवा हमला किया था और बीच बचाव में दोनों बहनें आ गई थी और गोली लगने से दोनों बहनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौके पे जो लोग हैं उनके आरोप पुलिस को लेकर सबसे ज्यादा हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डबल मर्डर पर कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर काम नहीं हो रहा, इस पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया, आप भी सुनिए। देखिए, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसी बातों पे जो लोग राजनीति करते हैं वो जो उनका मूल जिम्मेदारी है वो तो निभाते नहीं। अभी दिल्ली में लगातार आग लग रही है, ये सब जो चीज़ें रोकी जा सकती हैं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब दो लोग आपस में उलझ के अगर झगड़ा कर लें तो ये तो एक मानसिकता की बात है, जो मुझे लगता है कि इस दिल्ली में बड़ी तेज़ी से ये चिड़चिड़ापन, ये ऐसी इस तरह की मानसिकता फैली है और मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सूक्ष्मता से इस पे सच में ध्यान देंगे तो दिल्ली में ऐसे गुस्सों का कारण क्या है इस पे काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है कि हर बार यही होता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कोई घटना हो जाती है उस पे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। ये घटना हुई, दुखद है,
लेकिन जो प्राथमिक सूचना आ रही है कि वो आपस का कोई इनका कोई झगड़ा था, पैसे का लेन देन था, इस वजह से वो हत्या हुई है। जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ, और तुरंत गिरफ्तारी होगी। Z News.